दोस्तों टेक्निकल लाइफ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस अहम वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे जो कि बिल्कुल रियल है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आज आपको यह बताएंगे कि किस तरह से लुटेरे अब OLX प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। तो दोस्तों ऐसा ही एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जो कि ये दावा कर रहा था कि वो SBI कस्टमर केयर है और वो मुझसे मेरे कार्ड का नंबर पूछ रहा था। तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों उस वीडियो में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से मैंने उस ठग को सबक सिखाया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, हेलो। नमस्कार सर हाँ जी, नमस्कार नमस्कार जी। ओएलएक्स पे आपकी गाड़ी देखी, मुझे पसंद है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सर, आप अपना एड्रेस डाल दीजिए जहाँ पर आप गाड़ी रिसीव करना है, जिसके नाम डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना है, उसका आईडी डाल दीजिए। तो सर ऐसा नहीं है कि हम फेस टू फेस मिले, फिर उसके बाद फिर उसका नोटरी वोटरी बनवा करके वहीं इसका काम तमाम कर दें? देखो इधर सर, सिविल ईयर को अंदर आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका एड्रेस पर होम डिलीवरी करा दूंगा सर। सिविलियंस को अंदर आना क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? अगर अगर मेरा एक फौजी दोस्त है, उसको मैं लेके आता हूँ। ऑलरेडी जो अपना गाड़ी है आरवी पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट है सेल के लिए, ठीक है, उधर से ओनली फॉर गाड़ी एड्रेस पर डिलीवरी हो सकता है। अगर आपको गाड़ी अच्छा नहीं लगेगा तो गाड़ी रिटर्न करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए क्या हमें क्या करना पड़ेगा, क्या इसके मतलब जो हमें कॉस्ट देना है वो किस हिसाब से देना है? आपको सर ऑनलाइन पेमेंट करना होगा आपका एड्रेस पर डिलीवरी होने के बाद, अच्छा, जिसमें से फर्स्ट टाइम 3,000 डिपॉजिट करना है, रिमेनिंग अमाउंट आपका एड्रेस पर गाड़ी रिसीव होने के बाद में पेमेंट करना है। मतलब ऑलरेडी मैंने आपको मेरा आईडी प्रूफ डाला है, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पर। मतलब ये हमें पहले 3,000 रुपये देना होगा इसका? ये गेट पास बनेगा इधर से, जो गेट पास का एडवांस का 3,000 का स्लिप निकलेगा बिल, वो आपका व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। अगर गाड़ी अच्छा नहीं लगेगा तो 3,000 रिटर्न होगा आपका। तो गाड़ी तो हमने यहाँ से देख लिया ना, हमें तो गाड़ी पसंद है। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3,000 डिपॉजिट करा दीजिए, डॉक्यूमेंट क्लियर करा कर दूंगा आपके नाम, उसका मेरे को आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपका एड्रेस पर गाड़ी रिसीव होने के बाद में पेमेंट करना है। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? आई एम विवेक सल्होत्रा। विवेक सल्होत्रा। एंड व्हाट व्हाट इज योर रैंक इन द फोर्स? AMC मेडिकल डिपार्टमेंट, MH। MH? हाँ मेडिकल डिपार्टमेंट, AMC से MH। ओके ओके, तो इसका मतलब काम क्या होता है, मेडिकल वगैरह क्या इसका? करते हैं, मतलब जो मेडिकल डिपार्टमेंट में? हाँ जी सर, इसका काम क्या इसको होता एक हिंदी में कंपाउंडर बोलते हैं सर, कंपाउंडर बोलते हैं हिंदी में, AMC मेडिकल डिपार्टमेंट से। अच्छा अच्छा, मतलब वो डिस्पेंसरी टाइप की जो होती है। जी जी। अच्छा अच्छा, तो सर कुछ दवाई वगैरह जुगाड़ कर सकते हो? किसका मतलब कुछ दवाई वगैरह होती है ना, जैसे एंटीबायोटिक है, उसके बाद? सर ऑलरेडी वो इंडियन आर्मी का बंदा ले सकता है इधर से। और सर ये बोतल वोतल भी थोड़ा जुगाड़ हो पाएगा? सर इंडियन आर्मी कैंटीन से मिलता है सर इधर। तो सर आप तो हो ना उसमें, तो कम से कम दिला तो सकते हो, जब आपसे गाड़ी लेंगे तो फिर तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो आपको बोतल वोतल मिल सकता है, तो वैसे भी तो मेरा कैंटीन, हम तो वैसे भी पैक मास्टर हैं। अच्छा अच्छा जी हाँ, वैसे जी। आपकी आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। कैसे? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी और हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा जी हाँ, वैसे घर कहाँ पड़ता है सर आपका? मेरा इधर है पठानकोट बादशाह नगर। पठानकोट बादशाह नगर जी। अच्छा, और ये सिम आपकी वहीं की है क्या, पंजाब की? जी ये मेरे को ऑफिस से मिला है। ऑफिस से? ऑफिस कहाँ, वही पठानकोट में है? जी जी। लेकिन आपकी सिम तो राजस्थान की है। जी सर। तो फिर राजस्थान से आपको कैसे सिम मिल रही है? ये ऑलरेडी इधर अपना जो अम्बाला आर्मी कैंप है ना जी हाँ, इधर ऑलरेडी मेरा ट्रांसफर अब जम्मू के लिए हो रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ से सिम मिला है सर। जम्मू में कौन से रेजिमेंट में आपका ट्रांसफर हो रहा है? पुलवामा, पुलवामा मेडिकल डिपार्टमेंट MH में हो रहा है मेरा, पुलवामा में। तेरे को इसमें से क्या मतलब है, तेरे को गाड़ी लेना है
तो बात करिए, नहीं तो फिर छोड़िए, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से सवालों के दौरान ये बंदा साफ साफ पकड़ा गया कि ये फ्रॉड बंदा है। तो इसी तरीके से जब भी आप OLX से कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आप अपनी आईडी नहीं डालें, क्योंकि आज आप अपनी आईडी डालोगे और ये आपको ठग देंगे, कल दूसरे बंदे को ये आपकी आईडी बेचकर अपना परिचय देंगे, और उससे क्या होगा, वो बंदा आपकी आईडी को लेकर पुलिस स्टेशन में FIR कराएगा, तो फिर आप पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो ध्यान रखिए अपनी आईडी बिल्कुल ना दें। तो दोस्तों एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भी डील करते हैं OLX के द्वारा तो आप बिल्कुल सोच समझ कर उस बंदे से बात करके, अगर वो आपको मिलने के लिए बुलाता है तो आप जाएं 3-4 दोस्तों के साथ मिलके, क्योंकि अकेले जाएंगे, पैसे होंगे आपके पास, आपको मारेंगे पीटेंगे और आपसे पैसे भी छीन लेंगे, तो ये घटनाएं भी होती हैं। तो दोस्तों महंगे महंगे आइटमों का ये बहुत सस्ता दाम रखते हैं, जिससे ये अपने कस्टमर को जाल में फंसाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखें। दोस्तों जिससे आप चीज़ लेना चाहते हैं अगर वो ईमानदार होगा, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप पैसे डालो उसके बाद मैं आपको गाड़ी भेजूंगा। दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान आपको किस किस जगह पे इस बंदे पर शक हुआ था। दोस्तों ऐसी अपडेट्स पाने के लिए टेक्निकल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। तो इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।